रूठे तो रूठे सारा जबाना, इसके चुनरिया ओढ़ के दिल में आना, इसके चुनरिया चुनरिया इसके चुनरिया। रूठे तो रूठे सारे जवाना, इसके चुनरिया ओढ़ के दिल में आना, ओ मेरे दिल में आना, ओ सनम मेरे दिल में आना, ओ मेरे दिल में आना, ओ सनम मेरे दिल में आना। इसके चुनरिया चुनरिया इसके चुनरिया चुनरिया इसके चुनरिया चुनरिया इसके चुनरिया। ओके, तो आज आपको मैं खास तरीके से तीन मेहमानों से मिलवाता हूँ। ये तीन मेहमान कौन है? आई नेवर यू। ओहो, अरे सर मैं तो इसके बारे में जानता हूँ। जानते हो? अरे यार जानते हो तो भी देखो, ना जानते हो तो भी, अगर जानते हो ना तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि आज आपके लिए कुछ बिल्कुल, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नया सीखने को मिलेगा जो बिल्कुल आज तक देखा ही नहीं रहेंगे। ऐसा तरीका ऐसा ट्रिक बताऊंगा, यदि पहली बार देख रहे होंगे ना तब तो भैया आपके लिए खुशखबरी, एकदम शानदार, आप सही जगह पे सही पॉइंट पर आ गए। तो दोस्तों हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अब बेल आइकन घंटी घंटा जो कुछ जो सब दबा दे यार, ताकि तभी तो मुझसे जुड़े रहोगे, हमेशा नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे ना। तो ये सब चीजें तो आम बात है, राइट। अब ये तीन जो मेहमान हैं, इन तीनों के बारे में आज हम लोग परिचय कराएंगे। बड़े जानते हैं, पता है, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, पता किसको नहीं पता, सबको पता, लेकिन कुछ अलग ही आज होगा ना। और नेवर मीन्स कभी नहीं, और हु मीन्स कौन है जानते हो? ये जो तीनों आदमी है ना, ये तीनों जो वर्ड है ना, बिल्कुल यार बदतमीज बोल सकते हैं, बदतमीज लुच्चे लफंगे हैं ये तीनों। अच्छा लुच्चे लफंगे का है, अच्छा ये पहले बताओ, लुच्चे लफंगे बदतमीज बोला किसको जाता है? वही ना बदतमीज, उसको बोलते हैं जो रूल को फॉलो ना करते। मैंने कहा बेटा तू घर जा, बेटा कहा अरे हम ना जाएंगे। हाँ हाँ ये तो क्लास में क्या होता है, वैसे भी हर क्लास में कुछ ना कुछ तो बदतमीज होते, कहा जाएगा अरे बाबू कल सभी लोग ड्रेस में आना, कौनों ना कौनों जरूर गधावा ऐसा मिल जाएगा कि जो ड्रेस में तो आई बना करेगा। वैसे पूरा ये जो ना, जो हम लोग टेंशन बनाते हैं ना, सेंटेंस पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, उसमें ये तीनों लोग, तीनों के तीनों बदतमीज हैं, रूल रूल फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, राइट। अब समझते हैं कहाँ है भाई ये बदतमीज कहे जा रहे हैं इन लोगों को, क्यों आज इसको बोला जाएगा एक्सेप्शनल के अपवाद बोला जाएगा, लेकिन क्या है इनका भाई, क्या क्यों आखिर इनको हम ऐसा ऐसा भला बुरा बोल रहे हैं? भैया कहाँ है बोल रहे हो तुम्हें, कुछ तो कुछ रीजन। अच्छा देखते हैं, आई मीन्स होता है मैं, पहले इसके बारे में जानते हैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं। अच्छा यदि मैं को बारे में जानता हूं तो मैं तो यार एक ही हूं, कितने हो भैया? एक के हो ना, एक हुआ तो सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? एक हुआ तो सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर में आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, दिस दैट आता है, और कोई एक नेम आता है, यही आता है कि नहीं आता? तो यह तो इसकी कैटेगरी में आया, आया कि नहीं आया? ये आई जो इसकी कैटेगरी में आया, लेकिन आई कहता बाबू मैं सिंगुलर हूँ, काम तो एक जैसा है, सिंगुलर का है, लेकिन रूल एको सिंगुलर वाला ना फॉलो करता है। एक फॉलो किसका करेगा? प्यूरल वाला। बेटा सिंगुलर के फैमिली में हो, रूल फॉलो करता है किसका? प्यूरल वाला। देखो वही बात हो गई, रहता हिंदुस्तान में, खाता हिंदुस्तान के है, गाता पाकिस्तान का साला, देखो ना एकरा के। तो है सिंगुलर का, सिंगुलर के फैमिली में गिना जाएगा, सब कुछ सिंगुलर का है, आ काम करेगा किसका? प्यूरल वाला। व्यवहार किसके जैसा करेगा? प्यूरल वाला। तो जब प्यूरल वाला व्यवहार करेगा तो हमारा प्यूरल के साथ काम करेगा। जैसे बोला जाता है कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। अब देखो मेरे पास तो लिखा जाना चाहिए आई हैज अ पेन, लेकिन नहीं लिखा जाता, आई के साथ हैव लगाया जाता है, तो हैव तो प्यूरल के साथ आता है ना, तो यह सिंगुलर होते हुए प्यूरल वर्ब रख ला रहा भैया। क्यों? क्योंकि कहता मैं भले ही सिंगुलर में आता हूं, लेकिन सिंगुलर का काम कभी परसेंट नहीं करता हूं, मैं प्यूरल वाला ही काम करता हूं, तो आई हैव अ पेन। बातें समझ हुई, राइट। अच्छा ठीक है भैया, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें
नहीं जानता, इसमें देख लेते, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई है, अब आई है तो आई है सिंगुलर होता, लेकिन सिंगुलर के साथ तो डज नॉट लगता सरकार। लेकिन आई है कहता मैं प्यूरल का काम करूंगा, तो आई के साथ क्या आएगा? डू नॉट, आई डू नॉट नो यू। इसीलिए बोला जाता ना, यस डू यू नो, नो आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई के साथ डू नॉट क्यों भैया? द डू तो हमारे प्यूरल के साथ आता है, काहे को आई के साथ डू लगाता है? हाँ बात तो वही है, आया कि नहीं आया। आई बेटा रामलाल सिंगुलर का है, लेकिन व्यवहार किसके जैसा करता है? प्यूरल के जैसा। बातें समझ आई? तो आई इसी कारण से इसको बदतमीज बोला गया, क्योंकि सिंगुलर के खानदान में रहता है, सिंगुलर का रूल को फॉलो नहीं करता है, पूरे खानदान के रूल को खाता, मेरे घर में काम करता है उसके घर पे, यही वाला काम है इसका। तो इस कारण से हमारा ए आई को बदतमीज और एक्सेप्शनल केस बोला गया, आई को, राइट। अच्छा नेवर को काहे को बोला गया? अच्छा भोला भला बुरा, ये जानते हो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब ए भी वही काम है, नेवर मतलब कभी नहीं आएगा, निगेटिव सेंटेंस में आएगा कि नहीं आएगा? और जब निगेटिव सेंटेंस में आएगा तो फॉलो करेगा निगेटिव रूल को, निगेटिव रूल को फॉलो करेगा कि नहीं कर? लेकिन ये बहुत कमीना है, कहता है हम निगेटिव के जरूर हैं लेकिन फॉलो ना करेंगे बाबू तुम्हारा रूल, निगेटिव वाला रूल तो 1% नहीं फॉलो करता, तब क्या फॉलो करोगे जी? तो कहते ही हम पॉजिटिव वाला रूल फॉलो करेंगे। कौन वाला? पॉजिटिव खानदान के। फिर से वो वही हरकत किया, हाँ रहेगा मेरे घर में, सब कुछ करेगा, खाएगा मेरे घर में, हर सब कुछ मेरे यहाँ करेगा, और काम करेगा किसके यहाँ का? दूसरे के घर का। और देखो पैसे तो खाता मेरे यहाँ, सब कुछ करता है, पाकिस्तान का है, हाँ तो नेवर वही आदमी है, राइट। अब देखो ये कैसे आता है, वह खाना, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता। अब आ गया कभी नहीं, कभी नहीं आया कि नहीं आया? अब देखो जब कभी नहीं आया तो निगेटिव वाला जब हम बनाते हैं ना, जैसे मैं बोलता कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, सिंपल समय निगेटिव लेते हैं, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल, इसका होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये रूल क्या कहता है कि जब डू नॉट डज नॉट आते हैं तो इधर को यस आर यस तो नहीं लगाया जाता, राइट। प्रेजेंट इन्फिनिटिव में यही तो होता है, जब डू नॉट डज नॉट आ गए तो यस आर यस नहीं लगता, लेकिन यदि ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, यदि उसमें कभी नहीं आ जाता है तो कहता ना ना हम पॉजिटिव वाला रूल फॉलो करेंगे, अर्थात यस आर यस ऐड करेंगे, राइट, यस आर यस ऐड करेंगे। तो ही नेवर गोज टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं जाता, इस कारण से, समझे बातों को? ये है नेवर, इसके साथ देखो, इसके साथ यस सर यस नहीं लगेगा, लेकिन ये कहता ना हम तो लगा ही करेंगे, मानने वाला नहीं है, नहीं मानेगा, राइट। मैं बोलूंगा कि पापा साइकिल कभी नहीं चलाते हैं, पापा साइकिल कभी नहीं चलाते हैं, तो पापा, राइट, नेवर, पापा नेवर ड्राइव्स, पापा नेवर ड्राइव्स द साइकिल, पापा साइकिल कभी नहीं चलाते हैं, तो नेवर के साथ यह सरियस मतलब पॉजिटिव वाला रूल फॉलो करेगा, राइट। अब यदि कभी कभी इसका पास्ट इंडिफिनिट भी आ जाता है ना, तो हम लोग घबराना नहीं, वो पास्ट इंडिफिनिट भी आ जाएगा तो भी पॉजिटिव वाला रूल फॉलो करेगा, राइट। मैं बोलता हूं कि वह मेरे घर कभी नहीं आया, वह मेरे घर कभी नहीं आया, तो पॉजिटिव में क्या लगता है? वर्ब भी सेकेंड फॉर्म लगता है ना, लेकिन यहाँ पर भी ही नेवर कम का सेकेंड फॉर्म केम, नेवर केम एट माई होम, एट माई होम, तो ये पॉजिटिव वाला रूल फॉलो करता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा, क्योंकि पास्ट इन्फिनिट का पॉजिटिव क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है ना, तो जब नेवर आएगा तो भी पॉजिटिव वाला रूल फॉलो करेगा, तो सिंपल सी बात है, नेवर, इसीलिए नेवर है निगेटिव वाला, लेकिन निगेटिव का रूल नहीं फॉलो करता, फॉलो किसका करता है? पॉजिटिव का। किसका फॉलो करता है? पॉजिटिव का। तो हम लोगों ने दो लोगों के बारे में जान लिया, अब तीसरा जो बंदा है हु, कौन है? हु क्या है? हु मींस क्या होता है? हु मींस कौन, हु मींस कौन। अच्छा ये एक चीज हम लोग जानेंगे, जो हु मींस कौन होता है ना, हमेशा लिविंग के लिए लगाया जाता है, लिविंग मतलब होता है सजीव, जिंदा के लिए, किसके लिए? मुर्दा दिल के लिए लगाना, हु किसके लिए लगेगा? हमेशा जिंदा के लिए लगेगा, भैया तुम जिंदा हो कि मुर्दा हो देख लो, तो हु किसके लिए लगेगा? जिंदा के लिए। बातें क्लियर हुई? अब देखो ये जो हु है, तो हु हमारा किसके फैमिली का है? सबसे पहले देखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली का है, और ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, किसका है? इंट्रोगेटिव वर्ड है।
तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, किस फैमिली का है, डब्ल्यू एच फैमिली का है, या बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव फैमिली का है, तो डब्ल्यू एच ओ हु जो है ना, एक बहुत वो है, कहता है भैया इंट्रोगेटिव कि हम तुम्हारे परिवार में तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर से वही काम करेगा, लेकिन एक को तुम्हारे रूल नहीं फॉलो करेंगे, इंट्रोगेटिव वाला एक को रूल नहीं तुम्हारा फॉलो करेंगे, तुम पता नहीं क्या क्या कहते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो सब्जेक्ट लगाओ तो नॉट लगाओ, पता नहीं कितना रूल बकवास करते हो, एक को हमको समझ नहीं आता है। अब ई कहेगा तब ठीक है, तब के करे घरे जाओगे, तो कहता हम हो जाएंगे पॉजिटिव के घर, नेवर वाला भी गया पॉजिटिव के घर, हम हो जाएंगे पॉजिटिव के घर। अब देखो हु जब गया पॉजिटिव के घर, किसके घर गया, पॉजिटिव के, मतलब पॉजिटिव रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट। अब जो नेवर गया था, तो जब नेवर गया था तो पॉजिटिव वाला पूछा, कि भैया तुम बैठोगे कहाँ, आखिर तुम मेरे घर में आए हो तो आखिर कहाँ काम करोगे, कहीं बैठो व्यवस्था करोगे ना, कहाँ करोगे। तो पॉजिटिव वाला जवाब देता, ठीक है, जब डू नॉट डज नॉट जो है ना, ओके हटा कर सब्जेक्ट के बाद तुमको तुरंत रखेंगे, ठीक है, तुरंत तुमको रख देंगे। तो एक तो जगह मिल गया था सब्जेक्ट के तुरंत बाद, लेकिन हु वाला जब पॉजिटिव के पास गया तो पॉजिटिव वाला पूछा तुमको कहाँ बैठा है जी, हाँ हमको समझे नहीं रहा, तो हु कहा जाते हमको कहाँ बैठा ना, हम सब्जेक्ट का जगह लेंगे, कहाँ पर लेंगे, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को हटा दे, हम जहाँ पर रहेंगे सब्जेक्ट का कौन जरूरत है, नहीं है 1%, अरे हम उनको कम समझ रहे हो, कहा अरे दूसरे घर से कहा भाग के आए, यहाँ पर दो दो पद भी मिलने वाला है, एक तो डब्ल्यू एच फैमिली का है ओकर पद भी लिया ही है, और दूसरा सब्जेक्ट का, बता दो दो पद भी, तो जब दो दो पद वहां पर आएगा तो एक के पद भी मिलेगा ना, यहाँ पर आएगा तो दो दो लेवल मिल जा रहा है जी, एक तो हमारा सब्जेक्ट का भी बनेगा और दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली दोनों का काम कर रहा है ना, तो इसलिए कह रहा है कि ठीक है हम सब्जेक्ट का जगह दोगे इस सब्जेक्ट में, तो लेकिन कहता है देखो पॉजिटिव, ये जब प्रेजेंट इनफिनिटिव में होता कि ठीक है पॉजिटिव का जगह लोगे सब्जेक्ट का जगह लोगे, लेकिन यार यहाँ बहुत लफड़ा है, सब्जेक्ट में दो ठो रूम है, कठो रूम है दो ठो, एक ठो सिंगुलर वाला एक ठो प्लूरल वाला, तो हु को कहते यार हम कौन हम जाए, सिंगुलर वाला हम जाए प्लूरल वाला, बड़ा लफड़ा वाला बात हो गया जी। तो हु को भेज देता किसमें, कहता ठीक है हु तुम सिंगुलर वाला में रहना, किसमें, तो सिंगुलर वाला रूम में बैठ जाता, तो इसलिए हु सब्जेक्ट का काम करेगा लेकिन सिंगुलर का काम करेगा, तो हु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता, किसका काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, एक सब्जेक्ट का काम करेगा, दूसरा खुद एक डब्ल्यू एच वर्ड का भी काम करता है, बता दो दो पद भी ना मिले जी, अच्छा दो दो पद भी जब मिलेगा तो कहा एक पद भी लग जाएगा, अगर घाटा है पागल कुत्ता होकर काटा है होशियार है, देखो घर छोड़ के भाग आया तो बारह ढेर पैसा कमाना ना, हम लोग भी जाते नहीं जाते बारह कमाना, हम लोग भी जाते भैया जाते, पता नहीं कौन को तुम्हारे, तो घर छोड़ के काहे बारह जाते कमाना है, ताकि दूसरे यहाँ जाएंगे तो घरवा का पैसा तरीबे करता रहे, घरवा से मेहमान रहे करेंगे बाहर होकर कुछ हो जाएगा पैसा वैसा आएगा, तो अगर डब्ल्यू एच फैमिली जब खुद है तो तुमको रुपये है ये है, लेकिन जब दूसरे के घर में गया तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट का पद भी ले लिया, किसका ले लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट का, बताओ सब्जेक्ट का भी इधर पद भी लिया उधर डब्ल्यू एच फैमिली का, तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा मैं बोलता हूं कि तुम्हें कौन जानता है, अब कहेगा भैया पॉजिटिव वाला रूल फॉलो करता है, तो पॉजिटिव होता क्या है, वर्ब प्लस एस आर एस लगता है कि नहीं लगता है, एस आर एस लगता है, अब कौन जानता है तो हु, और लिखेंगे वर्ब प्लस एस आर एस प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे तो हु, वर्ब प्लस एस आर एस, इसमें से हु नोज टू यू, तुम्हें कौन जानता, राइट, हु नोज टू यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम किया और वर्ब के साथ पॉजिटिव क्या लगता है, एस आर एस, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस आर एस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, ठीक है, उसे कौन पढ़ाता है, उसे कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेज ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट करेगा तो भी कहना, वहां कौन जाता था तो हु गोज देयर,